भाई आ रही है फाइटिंग। ये देख लो भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। और तुम्हारा भाई आज एक जगह बाहर गया होता सुबह से, अभी 4:30 हो रहे हैं, अभी आया हूँ मैं घर, मतलब अपने एरिया में मेट्रो पे उतरा हूँ। भाई मैंने मेट्रो में एक चीज़ देखी भाई, लाइफ ना रेलवे के स्टेशन की तरह ट्रेन की तरह है। मतलब हमारी लाइफ एक ट्रेन है और हमारे जो अंदर सब लोग बैठते हैं वो स्टेशन है। जैसे जैसे लोग स्टेशन आते हैं वो उतरते जाते हैं। हमारा जो असली बंदा होगा, जो हमारे साथ होगा, हमारी ट्रेन के एंड तक हमारे साथ जाएगा। मैंने ये देख लिया भाई कुछ, अबे भाई क्या व्यू आ रहा है, कि लग रहा था हमारा भाई एप्पा क्लियरिटी आ रही है, फुल खैचम खैच। तो मैंने ये देखा भाई, जो हमारे साथ का असली बंदा होगा ना, मेरी ट्रेन है तो वो मेरे साथ एंड तक जाएगा, और जिनको मेरे से काम होगा वो मेरी ट्रेन में तब तक ही बैठेंगे जब तक उनका काम है। जैसे उनका काम हो जाएगा वो अपने स्टेशन पर उतर जाएंगे। तो सपोर्ट दिखाओ तो अच्छे से दिखाओ, वरना मत दिखाओ। बाकी तुम्हारे भाई का लुक चेक कर लो, आज अलग ही लग रहा सिस्टम, और थोड़ा मैं डट से आ रहे हैं, काला सो रहा हूँ मैं, टैनिंग हो रही है। कोई बात नहीं भाई, सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ, तुम्हें पता है इसके साथ सब ठीक हो जाता है। थोड़े दिन की बात है फिर सब ठीक हो जाएगा। बाकी अभी मोटे के बाद जा रहा हूँ, मोटे को उठाते हैं फिर करेंगे तगड़ी वाली व्लॉगिंग। दे पचम पच व्लॉगिंग में। घर जा रहा हूँ, खा पी के व्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है भाई। ये बताओ, रिक्शे का बिजनेस डालने में फायदा है कि नहीं है? मतलब एक आध रिक्शा खरीद के किराए पे लगा दो, सही है? जो चला रहे हैं वो तो कह रहे कमाई नहीं रही है उतनी। देखो अब आजकल ना जो भी रिक्शा है ना, हाँ, अब किराए पे कोई देता नहीं है, लोगों ने खुद ही के खरीद लिए हैं। ये आप सही, मैं एक बात बताऊँ, आपका बिजनेस किसने खाया? रिक्शों का बिजनेस खाया, वो चूड़े लोंडे आ गए ना आजकल, आप कभी भी देख लेना। उनको सिर्फ अपने नशे का जुगाड़ करना होता, घाट का जुगाड़ हो गया, और उन्होंने आपका सारा काम मारा। मैंने ये चीज नोटिस करी है बहुत ज्यादा फ्री की रोटी भी नसीब नहीं होगी। साले मक्खन की रोटी नसीब हो रही है, हमारे साथ है तू। अरे कहीं ना, साले घर वाले तुझे कुत्ते की तरह रखते, कोई तुझे कुछ ना पूछे। अबे भाई तो मुझे पानी साथ रोटी खाने पड़ रही है, खाने के साथ। हाँ, पानी के साथ रोटी में बिस्कुट तो सुना था, रोटी पहली बार सुन भाई। रोटी तुमने बहन तुमने लाले ला दिए, लाले मेरे भाई। कोई बात नहीं, चल होता है भाई, सैड मत हो, आप तुझे कुछ खिला के ला दूँ। चल भाई, तेरा बापू तो मॉडर्न है भाई, फिर इंस्टाग्राम चलाता है, तो फॉलो तो करवा दे फिर उनसे, बोल अंकित भाई को फॉलो कर लो। बिल्कुल भाई, वो पापा से फॉलो करवा रहा है ना तू मुझे, हैं? कब तक आ रही है फॉलो रिक्वेस्ट उनकी, ये बता दे फटाफट भाई। और तेरे पे तो आ गई होगी तेरे पापा की फॉलो रिक्वेस्ट, मेरी आ तो गई ना तेरे पे। हाँ ठीक है, मैं ही तो हूँ तेरा पापा। भाई भाई को फॉलो नहीं कर रखा था मैंने, आज कराया। भाई रो रहे थे, कह रहे भाई फॉलो नहीं करते तुम, ये नहीं करते। मैं कहा ठीक है भाई, रो मत, कर रहे हैं फॉलो, बढ़ा दे तेरे फॉलोवर, और लड़कियाँ निकाल लियो फॉलो की, लड़कियाँ पता है तूने क्यों करवाया फॉलो। तुम्हारा भाई प्राइवेट अकाउंट ले रहा है, अभी आ रहा है, यहीं रोक ले वो उसी के पास, वो भी आ रहा है। वाईफाई ले, यहीं पे आके गंदी पिक्चर डाउनलोड करियो सुबह सुबह, ठीक है? और सपोर्ट वाले लोंडे पे रिचार्ज क्यों नहीं करवा लेता मोटे यार, क्यों पागल वागल हो रहा है क्या? 1200 रुपए का बिल आ गया इसका, मर गया इसमें जिंदगी में क्या करेंगे, 1200 रुपए ही नहीं भर पा रहे तो बता। और बता तेरी सही टूट रही रोटी फ्री की है? साले हम तीनों ही हराम हो गए भाई, मैं भी फ्री की रोटी तोड़ रहा हूँ, वो भी फ्री की रोटी, तू भी, अन्नू भी, क्या होगा पता नहीं जिंदगी में, पता नहीं कमा के कब खाएंगे हम। ओ बहन चो, मोटा गिराएगा भाई आज, गिराएगा ये साइड में चला, मोटे रोड पे गिरा मत दियो भाई, मंदी स्पीड में चला मंदी बस भाई, सही रोड आ गया, मुझे तो लगा था आज इसने काम करा दिया। नहीं भाई आगे मिलते हैं, हवा आएगी अभी आपको, आगे फुल नकचोदी है, बने रहो। हाँ भाई मोटे, किसकी आईडी दिखा रहा है तू? भाई काली माता वाली। भाई इतना बड़ा दलाल है ना, तुमने रजत दलाल देखा होगा, तुमने दीपक कलाल देखा होगा। अबे भाई कौन कौन सी बाइक ले जा रहा है? नहीं चाहिए पर तुमने तरुण दलाल नहीं देखा होगा। पर भाई नहीं चाहिए मुझे, लड़की को मुझे आईडी चाहिए, ठीक है?
सुन ले मेरे भाई, इससे पता क्या हरकत करिए बता तो तू भाई अपने भाइयों को। इनने ऐसे करे, एक बाइक हुआ करती थी हम पे पहले, ठीक है वो बाइक अब नहीं है, हमने बेच दिया, सेल आउट कर दिया। झूठ बोल रहे भाई, झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा, मेरी बात बता तो दे। वो बाइक हमने सेल आउट कर दिया, सेल आउट कर दिया। उसने पता क्या करा, बंदी को शो ऑफ करने के लिए ना उस बाइक की स्टोरी अब लगा रहा है, और पता क्या लिख रहा है, बाइक की स्टोरी लगा रहा था, क्या लिख रहा है, और टुडे राइड टुडेज राइड, जबकि वो बाइक इसके पास है नहीं, और ना ये देखने को नसीब हो गया भाई। मतलब जितनी भी लड़कियां है ना, इतने फेक बंदों से दूर रहना, लाइफ में ना फेक बंदे बहुत मिलेंगे, जो फेक तुम्हें वो दिखाएंगे कि भाई हम पे तो ये, हम पे तो वो है, पर तुम उनसे दूर रहना, ऐसे लोगों से बहुत ही ज्यादा दूर रहना, क्योंकि इन लोगों का कोई वर्चुअल तो नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता। अरे और अब समझ आ रहा है भाई, भाई तुमने एक ब्लॉग देखा होगा, हम फ्रूटी बांटने गए थे काली माता, वहाँ पे एक बंजारन की लड़की थी, उसी की झुग्गी में छुप के थे, स्टोरी उसकी आईडी लिया है, उससे चैटिंग कर रहा है। छोटे भाइयों को तीन फ्रूटी भी क्या था, हाँ उसी के भाइयों को तीन फ्रूटी भी दी थी इसने, क्यों करता है मोटे यार, मतलब किसी की मजबूरी का क्यों फायदा उठा रहा है, क्यों लड़की की जिंदगी खराब कर रहा है तू। हम गए थे ढोलक कुआ की साइड फ्रूटी बांटने भाई, वहाँ से वापस लेके आ गया काली माता पे, मतलब हम ढोलक कुआ जा रहे थे बांटने, पर भाई ने बोला की नहीं काली माता बांटनी है, वहाँ पे बंजारन का घर है उसमें देनी है। आज वो समझ आ गई इसलिए। और ये तो देखो बंजारन भी इंस्टा चलाती है, हाँ। शॉकिंग बात तो ये कि बंजारन भी इंस्टाग्राम चला रही है उसकी एक भाई। और ये उस बंजारन का फैन हो गया है, ये वहाँ पे ड्यूक लगा गया, टुडे राइड, टुडे राइड वो बाइक तेरी है जिसकी तूने स्टोरी लगाई है, तो हमारी भी नहीं है भाई। ब्लॉग देख लो अपने भाई है, भाइयों को जाओ सपोर्ट दिखाओ, फुल कैच के मीटर ब्लॉग में डाल दिया, ब्लॉगर जितने भी सारे हमारे भाई हैं, सपोर्ट दिखाओ भाई। भैंस की आंख भाई, टी शर्ट ऊपर कर रहा था, स्नैप बना के भागा, लड़कियों को भेज रहा है, चप्पल देख लो इसकी, चप्पल भी नहीं है, कैमरा ऑन है, तुम्हारे भाई ने रंगे हाथ पकड़ा भाग के। और प्रियांशु तू बता, पहलू उसको पकड़ के इधर आजा, ये भाई तुम्हारे ग्रुप में भी कुछ बंदे होते होंगे ना तुम्हारी जासूसी देने के लिए। अच्छा लड़कियों को भाई, लड़कियों को भेजता है, बेइज्जती करवाता है, पता है सार, वीडियो बना, वीडियो बना, अंकित चप्पल तो ढूंढने दे भाई, रहने दे चप्पल ढूंढने दे भाई, आज होगी ये फाइटिंग। भाई लोग यहाँ पे आर्मी रोड पे वॉक करने आते हैं, बॉक्सिंग करने आते हैं, ये देख लो भाई, ये देख लो, ये देख लो भाई, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। बोल भाई बोल, बोले पंकज गाड़ी आ रही है, खड़ा होना कुचल जाएगी इसको। ओए नहीं, इनकी मर जाएगा, मर जाएगा भाई, बॉडी काले के जाएंगे इसकी। कच्चा खोल बहन के, कच्चा खोल भाई, भाग गया भाई। भाई ने मुझे बोला था लक्कड़ दे वागेल बाल्यवर का तेरा शरीर आ, आकर देख ले कितनी चंगी फिरता है, तुम्हारे भाई ने अकड़ दिखा दिया है, लक्कड़ दे बाल्यवर के शरीर से कुछ नहीं होता, बंदा मारने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा नहीं मिट्टू का कैब बंदे भाई, ये मेरे से कितना भाई, जिम जाना भारी है, जिम जाता है भाई डेली, वीडियो दिखा दूंगा, डेली जिम जाता है, तुम्हारा भाई कुछ नहीं करता भाई, मुझे जरूर पंडित पहले का तरुण तू हार जा, मैं हार गया भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, रूपन डी मामा, मैंने ऐसे बोला हारने के लिए भाई, नहीं बोला भाई, भाई इसकी ना इसमें बम में दम नहीं था, ऊपर से नीचे तक का पूरा जोर लगाया, पूरा जोर लगा लिया तुम्हारे भाई के आगे ना एक नहीं चली, झूठ मत बोल, सांसें ऐसी नहीं फूल रही तेरी, दोबारा एक बार, दोबारा एक बार, दोबारा क्यों बार भाई, और क्या फेक लड़ाई है क्या, दोबारा लड़े भाई, जब तू ज्यादा बोलता दोनों मिलकर कच्चा निकाल देते, और क्या फाइनल है, बंदा मारने के शरीर नहीं जिगरा चाहिए,
और वो तुम्हारे भाई जिगरा तुम्हारे भाई में है, कभी भी मैटर हो जाए जहांगीरपुरी तिलकपुरी त्रिलोकपुरी उत्तम नगर भाई खड़े तुम्हारे दो भाई, तुम्हारे भाई को बुला लेना ऐसी तैसी का जिम्मेदारी। वो तो दिख गया किसकी फटती है, पसीना तुम्हारे भाई ने ऐसी निभाया, ऐसे मोटे चार मार दूंगा एक साथ। अरे बस भाई चार मार दूंगा चार, मेरे बंदे जानते तरुण क्या तरुण क्या तो टी-शर्ट की हालत बता रही है क्या चीज है, अच्छे जानते हैं पता क्या चीज है, तरुण चीज ही है बस। पता जोकी का बनियान भाई तुम्हारे पास भी कोई ऐसे बंदे हैं क्या, हर चीज में फेंकते हैं भाई। साठ वाला बनियान नहीं पहनता, जोकी का कलरफुल लाता हूं, कलरफुल है छेद हो रहा है बनियान में, बनियान कच्चा छेदों से भरा हुआ है। तुम्हारे भाई जीत चुका है, लाइक कमेंट शेयर मेरे लिए, जिगरा दिखाने के लिए लाइक कमेंट शेयर। आगे थे घूम घाम के, आज ज़्यादा लंबा व्लॉग बनाया नहीं, छोटा सा व्लॉग बनाया था छोटा सा। और एक बात मेरे मन में आ रही है, मैं तुम्हें बोल देता हूँ, लोग वही पूछ रहे थे कि मेहनत करने से क्या होता है, तो मैं तुम्हें भाई ये बता दूँ कि जिसने भी खुद को खर्च किया है लोगों ने गूगल पर उसे ही सर्च कराया है, ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है भाई, ये मेरे दिमाग में यहाँ बैठी रहती है एनी टाइम, सिंपल सी बात है भाई। या तो खुद की जर्नी पर फोकस कर लो, या तो कल लोग तुम्हें अपनी जर्नी में शामिल कर लेंगे। अब तुम्हें ये बनाना है कि लोगों की जर्नी में शामिल होना है या खुद की जर्नी बनानी है, वो तुम पे है। बाकी भाई ब्लॉग को करते हैं ये बैंड, लाइक सब्सक्राइब और शेयर खड़ा।